अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज हम आपके साथ पंजीरी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है, और ये न्यू बेबी आता है ना तब ये घर पर बनाई जाती है। तो बहुत ही मतलब ये सब चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर डाली जाती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर डालना होता है। तो आप थोड़ा सा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही वीडियो है। और जिसका न्यू बेबी आया है ना, तो उसी ने इसमें वॉइस ओवर किया है, उसी की रियल आवाज़ हमने रहने दी है। तो थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए ये वीडियो है फ्रेंड्स, जो न्यू बेबी आता है तो पंजीरी हमारे यहाँ पे इस तरह से बनती है। तो थोड़ा शॉर्टकट में ही वीडियो है। अगर वीडियो को लेकर कोई भी सवाल रहेगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, और आपको पूरा डिटेल वीडियो अगर चाहिए अच्छे से तो आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बेबी की मम्मी की रियल आवाज़ है, उसी के साथ में हमने रहने दिया ये वीडियो। 1 किलो खोपरा, 1 किलो शक्कर, 1 किलो खजूर, 1/2 किलो काजू, 1/2 किलो बादाम, 200 ग्राम गोंद, 100 ग्राम भिलावी की चिरौंजी, इलायची पाउडर, मेथी दाना, खसखस और तिल का पेस्ट, रवा, सौंफ। पहले हम खोपरा डालेंगे, उसके बाद खजूर, काजू, बादाम, गोंद, तिल और खसखस का पेस्ट, बड़ी सौंफ, इलायची पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे सबको। रवा डालेंगे, सब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम शक्कर डालेंगे, शक्कर हमने मोटी लिए थे, इसको पीस के बारीक कर डालें। ये हमारी पंजीरी बनकर तैयार, सर्दी में खाने के लिए बहुत अच्छी होती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़। तो हमारे यहाँ पर न्यू बेबी आता है तो इस तरह से पंजीरी तैयार की जाती है। तो सभी पाउडर फॉर्म में इसके अंदर जाता है, खजूर को भी कूटा जाता है और खोपरा वगैरह भी उसके में कूट कर घिस कर भी मतलब कूटा जाता है, और फिर सब इस तरह से फ्राई किया जाता है और मिक्सी में इसका पाउडर तैयार किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जाती हैं, यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है। अगर क्वांटिटी आपको जाननी है, पूरा डिटेल वीडियो जानना है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आपके साथ जल्द शेयर करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो में थोड़ा भी आपको कुछ समझ में आया हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी आपका सवाल रहेगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। तो सभी चीज़ें देसी घी में फ्राई होती है और इसको मिक्सी में इस तरह से पाउडर फॉर्म में तैयार किया जाता है, फिर इसको मिक्स किया जाता है। तो चलिए, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।